बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के जो क्वेश्चन पीएसटी के पेपर में आए हैं, जो आज का पीएसटी का पेपर हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन मुझे मौसूल हुए हैं, बल्कि काफ़ी तादाद में क्वेश्चन जो है वो मुझे मौसूल हुए हैं, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप एक एक क्वेश्चन को जो है वो रीड कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है जी, आए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। ये देखें, पहले टुडे पीएसटी क्वेश्चन नंबर वन, कायदे आजम डिड हिज लॉ फ्रॉम, यानी उन्होंने जो लॉ की एजुकेशन है वो कहाँ से उन्होंने ली। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड जो है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड इन, पाकिस्तान की रेजोल्यूशन कब जो है वो रिप्रेजेंट हुई। सेकंड, ओआईसी वाज हेल्ड इन विच सिटी, ये शायद लाहौर में हुई थी। सेकेंड ओआईसी वाज हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, कैपिटल ऑफ मलेशिया, मलेशिया का कैपिटल बताएं। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके बाद सेकेंड जो है वो 2 kg को जो है वो कितने मिलीग्राम में आप कन्वर्ट करें इसको kg को मिलीग्राम, तो इसका जो आंसर आएगा 2 को, ये 0 था तो यहाँ पे 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 mg इसका आंसर आएगा, 200 मिलीग्राम ये इस वाले का। ठीक है, एक ये आंसर। उसके बाद ये विच इज नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 7 पे था, साइट का जो है ये इंग्लिश के था, सैनन्स बताएं। ठीक है, और 8 पे प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन विच सिटी, कौन सी सिटी में जो मक्के में या मदीना में ये पूछा गया था, कौन सी सिटी में उनका बोर्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये सिंधी का क्वेश्चन है, जेतोड़ी जो मकसद, इनखा सवाए उनखा पोए हिन हुंदे। ठीक है जी, उसके बाद सीन का सैनोनम्स क्या है। ठीक है, स्टेन का जो है वो सैनोनम्स क्या है। उसके बाद व्हाट इज अ लिटिल ऑफ पैराग्राफ, डिफरेंस का एंटोनम क्या है ये बताना है। जंगे खंदक इज आल्सो कॉल्ड, जंगे खंदक को और क्या कहते हैं, कुछ एमसीक्यूज दिए हुए थे। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैथ ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये टुडे पीएसटी, ये सिंधी में कुछ क्वेश्चन आए थे, पान सगुरा किथे जावा। ठीक है जी, मदीने जो पुराणों नालो छाए, करारदाद पाकिस्तान केड़ी तारीख ते पेश थी, पाकिस्तान जे वडे मां वडी चोटी केड़ी आए, केटू, पाकिस्तान जो कौमी गुल केड़ो आए, मुल्क जो सब खां वडो मिलिट्री अवार्ड केड़ो आए, मिलिट्री अवार्ड केड़ो आए, उनजा नाला हेठ लिखियल हुआ, उन ते हिकड़े खे सिलेक्ट करणो। ठीक है, नेक्स्ट, कौमी गुल केड़ो आए, करारदाद पाकिस्तान कॾहिं पेश, टेलीविजन कंहिं ईजाद कई। ठीक है, इहो बि क्वेश्चन आयो, टेलीविजन कंहिं ईजाद कई। मदीने जो पुराणो नालो छा हुयो, करारदाद पाकिस्तान कहिड़ी तारीख़ में पेश थी, पाकिस्तान जे वॾे मां वॾी चोटी कहिड़ी हुई, पाकिस्तान जो क़ौमी गुल कहिड़ो हो, मुल्क जो सभ खां वॾो मिलिट्री अवार्ड कहिड़ो आहे, पाण सगुरा किथे जावा। इहे क्वेश्चन रिपीट पिया थियनि, मां दुबारा हिननि खे पढ़े छॾियो। ठीक आहे, अच्छा, उसके बाद जो आहे उहो ग्लूकोस का फार्मूला पूछा था, जो ग्लूकोस का फार्मूला ये वाला है, तो ये फार्मूला जो है वो टिक कर बताना था कि ग्लूकोस का फार्मूला कौन सा है। उसके बाद जो है ये एक क्वेश्चन था, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल का आर्क लिखा हुआ तो वो किसका पार्ट है। आर्क जो है मैथ का क्वेश्चन था, आर्क जो है वो सर्किल का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये ठीक है, वो मैथ का क्वेश्चन था, 0.2 था, उसको कन्वर्ट करना था मिलीग्राम में, ये वाला क्वेश्चन 0.4 आप खुद कर लीजिएगा, वहाँ पे उन्होंने 0.2 दिया हुआ था, आपने 0.4 को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये मुझे कमेंट बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। स्ट्राइव, अपोजिट ऑफ स्ट्राइव, स्ट्राइव की अपोजिट क्या है। स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव की अपोजिट क्या है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। उसके बाद जो है वो बेरोमीटर, बेरोमीटर कहाँ पे यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बेरोमीटर यूज होता है।
सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये होता है कि कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड एंड द गैसेस फेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो फेज डायग्राम में आया था, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट का पूछा, तो ये फेज डायग्राम भी नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप इसको पढ़ के जाइए। थर्मोडायनेमिक की सिंपल डेफिनेशन जो है, वो डेफिनेशन लिखी हुई थी, उसका आंसर था थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा। ग्रीन प्लांट्स यूज द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एमसीक्यू था, कार्बन डाइऑक्साइड। पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो आपकी जो लेंथ की जो बाउंड्रीज होती है उसको वहां पे यूज होता है, तो ये पेरीमीटर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ओल्ड नेम वाज मदीना यसरफ, ये भी एक क्वेश्चन था, ओल्ड नेम वाज मदीना यसरफ। कायदे आजम वाज एजुकेट लॉ एजुकेशन कहाँ से हासिल की उन्होंने, लंदन से, ठीक है। उसके बाद सिजजी रोशनी जमीन ते केतरे वक्त में पहुंची पहुंच लिया है, एक ये क्वेश्चन। पी आई ए इस्लामिक जी गजानी किथे थी, दूसरा ये क्वेश्चन। करारदादे पाकिस्तान केड़ी तारीख में थे, पाकिस्तान में मौजूद करारदाद कड़े मंजूर थी, सेकंड। विसाख जो 18 अप्रैल जे केड़े केड़ी तारीख ते मल्हायो वेंदो आहे, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इख्तिलाफ इखलाकिया जो माहिर केर है, इखलाकिया जो माहिर केर है, ठीक है। मदीने जो पुराणो नालो छा है, हज़रत मोहम्मद कहड़े शहर में जावा, पाकिस्तान के वडे में वडी चोटी केड़ी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा दोबारा भी। पाकिस्तान जो कौमी गुल केड़ो है, कायदे आजम की वकालत किथां कई, मलाइशा की गादी जो हंध केड़ो है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, कि एक अली था मारिया थी और इसका प्रॉफिट निकालना था, इतना भी अली दी हुई थी, व्हाट विल द शेयर ऑफ मारिया फ्रॉम द, ये प्रॉफिट निकालना था, ठीक है, इसका ये क्वेश्चन था। अच्छा दूसरा, बाइनरी फंक्शन कौन कौन से हैं, सात हैं, आठ है, कितने हैं, तो वो सात बाइनरी फंक्शन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और बताना था कितने बाइनरी फंक्शन है, सात बाइनरी फंक्शन है। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स क्वाड्रेंट 270, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द फोर्थ एंगल, ये फाइंड करना था। द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज एब्सुट एब्सुल्यूट एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल होगा वो यहाँ पे बताना था। थ्री पीपल्स इन्वेस्ट इतनी इन द रेशियो ऑफ 7:6:7:8, व्हाट विल द मैक्सिमम, व्हाट विल बी मैक्सिमम अमाउंट इन रुपीस, एक ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इफ 8:B 4:9 एंड B:C 3:5, देन इज A:B B:C, ये फाइंड करना था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। फाइंड द एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, वाई प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, इफ एक्स वाई इक्वल टू -3 एंड X²Y² इज इक्वल टू 10, तो ये भी एक सिंपल सिंपलीफिकेशन है, इसको सॉल्व करना था। अच्छा जी, टोटल ये क्वेश्चन थे जो मुझे मौजूद हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट में फिर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन, उनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।